अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कुछ ऐसा कि भाजपा को लगी मिर्ची। फिर जो हुआ, अमेरिका में दिए राहुल गांधी के भाषण की बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जमकर आलोचना की है। नकवी ने बुधवार को राहुल पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जब विदेश में होते हैं तब उनमें जिन्ना की आत्मा आ जाती है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 30 मई को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला था। राहुल ने बीजेपी पर देश की एजेंसियों का दुरुपयोग करने और लोगों को धमकाने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिन्ना की आत्मा राहुल गांधी में तब प्रवेश करती है जब वह विदेश में होते हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके शरीर में जिन्ना की आत्मा या अलकायदा जैसे लोगों की सोच का प्रवेश होता है। मैं उन्हें भारत आने और किसी अच्छे ओझा से भूत भगाने का सुझाव दूंगा। नकवी ने कहा कि राहुल गांधी की समस्या ये है कि वह आज भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे समावेशी विकास के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी सामंती जागीर को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी लोकतंत्र की तुलना वंशवाद से करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने भारत को बदनाम करने का ठेका लिया है। कांग्रेस ने मुसलमानों को च्युइंगम की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 दिन के लिए अमेरिका गए हुए हैं। वहां वह 3 शहरों के दौरे पर हैं। उन्होंने 30 मई को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों की एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि ये देश की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और लोगों को धमकी दे रही है। उन्होंने बीजेपी पर बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सेंगोल का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।